आज देखते हैं सलोनी की कहानियों के सागर में से कौन सी कहानी निकलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सलोनी कौन है, तो आइए मिलते हैं सलोनी से। ये है सलोनी और सलोनी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। इसका एक छोटा भाई है राजू और राजू 3री कक्षा में पढ़ता है। राजू हमेशा अपनी बहन सलोनी को परेशान करता है, सारा दिन उसे परेशान करता लेकिन उससे प्यार भी बहुत करता। वहीं सलोनी भी अपने छोटे भाई राजू से बहुत प्यार करती। एक दिन सुबह के वक्त सलोनी चित्र बना रही थी और राजू अपनी आदत से मजबूर सलोनी को परेशान कर रहा था। राजू, मेरे रंगों को हाथ मत लगाओ। मुझे भी रंग बने हैं। तो पहले चित्र तो बनाओ। नहीं, पहले रंग दो। राजू, मुझे चित्र बनाने दो, परेशान मत करो। चलो बच्चों, नाश्ता कर लो। माँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। माँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। राजू, क्या तुम नकलची बंदर हो? जो मैं बोलती हूँ वही बोलते हो? हाँ हाँ हाँ, नकलची वो कौन होता है? तुम्हें नकलची नहीं पता? नकलची उसे कहते हैं जो दूसरों की नकल करता है, जैसे तुम अभी मेरी नकल कर रहे थे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें नकलची बंदर की कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह दीदी, सुनाओ ना। कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। एक बार एक टोपी वाला था, वह रोज टोपियाँ बेचने शहर जाता था। टोपी वाला जैसे सब्जी वाला होता है, जिससे हम सब्जी लेते हैं? हाँ राजू, वैसे ही। दीदी, वो टोपियाँ कैसे बेचता था? वह रोज सुबह अपने टोकरे में गिनकर टोपियाँ रखता था और आवाज लगाकर उन्हें बेचता था। गिनकर जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। उसने 1, 2, 3, 4 गिनकर टोकरे में 12 टोपियाँ रखी। सभी टोपियाँ अलग अलग रंग की थी, नीली, गुलाबी, हरी, पीली और भी कई रंगों की। फिर तो टोपियाँ बहुत सुंदर होंगी, मुझे तो हरा रंग बहुत पसंद है। अच्छा राजू, अब कहानी तो सुनो। हाँ सुना, फिर क्या हुआ? वह अपने घर से निकला और तेज धूप और टोपियाँ ना बिकने के कारण परेशान हो गया। वह थक गया, उसे भूख भी लगी थी। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर यह सोचकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, खाना खाकर पानी पिया और वहीं लेट गया। दीदी, उसकी माँ ने उसे खाना बनाकर दिया था, जैसे माँ मुझे खाना बनाकर देती है जब मैं स्कूल जाता हूँ। हाँ हाँ, उसको भी उसकी माँ ने खाना बनाकर दिया था। फिर क्या हुआ, सो गया? हाँ वो सो गया। फिर थोड़ी देर बाद वह जागा, उसने अपनी टोकरी को देखा, वे खाली थी, उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह रोने लगा, हाय रे मेरी टोपियाँ, गई रे मेरी टोपियाँ, हाय रे मेरी टोपियाँ, गई रे मेरी टोपियाँ। उसने यहाँ वहाँ सभी जगह ढूंढा पर उसे एक भी टोपी नहीं मिली। अचानक उसके सर पर कुछ गिरा, उसने ऊपर देखा। क्या देखा? ऊपर ऊपर देखा कि पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हैं, उन्होंने उसकी टोपियाँ पहन रखी हैं। अच्छा दीदी, बंदर तुम भी लगा, कितने बंदर थे? राजू तुम बताओ कितने होंगे, क्योंकि उन सभी ने एक एक टोपी पहनी हुई थी। हाँ दीदी, टोपी वाले ने गिनकर 12 टोपी रखी थी, तो बंदर भी 12 होंगे, है ना? हाँ राजू, एकदम सही। फिर क्या हुआ? टोपी वाला उन बंदरों पर गुस्सा हुआ, तो बंदर भी उसे देखकर तरह तरह की शक्लें बनाने लग गए, कभी ऐसे कभी वैसे। यह देखकर टोपी वाले को एक तरकीब सूझी।
तरकीब वो क्या होती है? तरकीब मतलब उसे समझ में आ जाता है कि बंदरों से टोपियां वापस कैसे लेनी है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि मुझे एक आइडिया आया तो उसका मतलब तरकीब होता है। हाँ हाँ, वही। टोपी वाला यह बात जानता था कि बंदर नकलची होते हैं, तो उसने अपने सर पर रखी टोपी उतारी और जमीन पर जोर से फेंक दी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी सारी टोपियाँ जमीन पर फेंक दी। तो टोपी वाले ने 1, 2, 3, 4 12 टोपियाँ, हाँ हाँ 12 टोपियाँ उठाई और टोकरे में रख दी और शहर की ओर चल पड़ा। दीदी, कहानी तो अच्छी थी, लेकिन बंदर टोपी नहीं फेंकते तो क्या होता? राजू, तुम बताओ, अगर बंदर टोपियाँ नहीं फेंकते तो कहानी में आगे क्या होता? अरे बच्चों, बातें ही करते रहोगे, कुछ खाओगे नहीं? कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। हाँ मामा, अभी आते हैं। तो मित्रों, ये थी सलोनी की नकलची बंदर की कहानी। जानती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, पर सोचिए ना, अगर बंदर टोपियां ना फेंकता तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, कहानी का आगे क्या होता? आप भी कहानी बनाइए। हम अगली बार आपके लिए एक नई कहानी लेकर आएंगे, यानी कि राजू की एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।